Good morning, students. How are you? Are you fine? Okay. Today we are going to learn our English lesson, class 2, English lesson 3. Rama learns to read. We are also going to read the lesson. In this lesson, Rama is a little girl. She want to learn. She is not going to school, but she want to learn. इस लेसन में रामा एक छोटी लड़की है. उनका वो स्कूल में जाती नहीं है. उसको पढ़ने के लिए इच्छा आ गया. ये पढ़ने के लिए कोशिश कर रही है. उसका उसकी कहानी इसी लेसन में हम सीखेंगे. ओके. द बेल रैंग ट्रिंग. द बेल रैंग ट्रिंग. ट्रिंग द बेल का आवाज़ है. बेल घंटी. घंटी बजाया बज गया. इट वॉज लंच रिसेस. स्कूल में घंटी बज गया. जब हमारा अभी लंच का टाइम बेल बजाते हैं. हाँ वही बज गया बेल. द चिल्ड्रन रन आउट ऑफ द क्लासरूम. बेल बज गया तो क्या करते हैं? तुरंत बच्चे लाइन बना के स्कूल से क्लास से बाहर हैंड वॉश के लिए जाएंगे. ऐसा अपना इसी स्कूल का बच्चे भी बाहर आ गया. जिया एंड हुसैन हैड देयर लंच. जिया एंड हुसैन आर फ्रेंड्स. वो दोनों दोस्त हैं. वो लंच करने के लिए गया. देन दे रन टू द प्लेग्राउंड एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद ए फ्लाइंग डिस्क. तुरंत बेल बच गया. जल्दी जाके हैंड वॉश कर लिया. लंच फटाफट खा लिया. और दोनों प्लेग्राउंड में गया. कौन है? जिया एंड हुसैन. ये दोनों प्लेग्राउंड में गया खेलने के लिए. जब तक लंच का टाइम पूरा हो जाएगा इतने में खेलेंगे थोड़ा, ऐसे सोचा. दे स्टार्टेड प्लेइंग विद ए फ्लाइंग डिस्क. हम भी ऐसे चलाते फ्लाइंग डिस्क को. कई बच्चों के पास हम भी घर पे खेलते हैं. ये स्कूल में लेके आया और यह लंच टाइम में ये खेलने के लिए शुरू किया. द डिस्क फ्लू एंड फेल नियर ए वॉल. जो ऐसे घुमा घुमा के फेंक देते वही डिस्क. वो फ्लू. फ्लू मीन्स फ्लाई का पास्ट टेंस है. फ्लू उड़ गया. एंड फेल नियर ए वॉल. वॉल मीन्स दीवार. कहाँ? फॉल गिरना. फेल फॉल का पास्ट टेंस. गिर गया. वो जाके दीवार पे के पास गिर गया. दे बोथ रन टू पिक इट अप. दोनों भाग गया ए उठाने के लिए. नियर द वॉल दे सो ए लिटिल गर्ल. वो दीवार के पास उन्होंने देखा एक छोटी सी लड़की. शी वॉज ग्रेसी हे गॉट. क्या करती थी? सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं. उस समय वो बच्ची अपना बकरी को चराते. द गर्ल स्माइल्ड एंड वेव्ड एट जिया. वो लड़की देखा इनको, ये दोनों को, तब अपना हाथ उठा के इसे वेविंग किया. ये वेव हाथ ऐसे लाते. जिया इन टर्न स्माइल्ड एट हर. इन टर्न वापस उसने हाथ ऐसे हिला के दिखाया. जिया ने उसको मुस्कुराया उसकी तरफ. डू यू नो हेयर हुसैन आस्क्ड. हुसैन ने पूछा, आप उसको जानती है क्या? जिया सेड, यस शी इज रामा. मैं जानती हूँ उसका नाम है रामा. हेयर फादर इज द सिक्योरिटी गार्ड इन आवर अपार्टमेंट. अपार्टमेंट मीन्स कई मंजिल वाला बिल्डिंग है. वो लोग रहते हैं. फ्लैट होता है फ्लैट. उसने बोला उनका पापा हमारा फ्लैट में, हमारा जो घर रहते हैं वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है. हाय रामा व्हाट आर यू डूइंग हियर आस्क्ड जिया. जिया ने पूछा, हाय रामा आप इधर क्या कर रही हो? रामा रिप्लाइड. रामा ने बोला, दीदी आई लव टू कम हियर एवरी डे.
उसने बोला, दीदी मैं इधर रोज आना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल टू, मुझे स्कूल में जाना भी चाहिए, मैं चाहती हूँ स्कूल जाना। आई वॉन्ट टू रीड बुक्स लाइक यू दीदी, आपकी तरह मुझे भी बुक पढ़ना पसंद है, लेकिन मैं स्कूल में जाती नहीं, मुझे पढ़ना लिखना आती नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ, ऐसे बोला। रामा, वी विल हेल्प यू टू रीड एंड राइट, जिया डिक्लेयर्ड। जिया ने तब बोला, रामा हम आपको पढ़ना लिखना सिखाएंगे, हम हेल्प करेंगे आपको। जिया डिक्लेयर्ड मीन्स जिया ने वो बात घोषणा किया, क्योंकि दोनों को दोनों के बीच जिया और हुसैन के बीच में थोड़ा बात हो गया होगा इसके पहले, तब ये दोनों ने डिसीजन ले लिया हम इसको पढ़ाएंगे। तब जिया ने बोला मैं आपको हेल्प करेंगे। रामा ग्रिंड, ग्रिंड मीन्स मुस्कुराया। ग्राना ग्रामा उस वो सुन के मुस्कुराया। आई विल टेक यू विथ मी व्हेन आई गो टू प्ले इन द पार्क, उसने बोला। जिया ने बोला, आई विल टेक यू विथ मी व्हेन आई गो टू द प्ले पार्क, खेलने के लिए मैं पार्क में जाएंगे तब आपको लेके जाएंगे। वी कैन सिट अंडर द बनियन ट्री एंड लर्न टुगेदर, पार्क में एक बड़ा सा बनियन ट्री है उसके नीचे बैठ के हम एक साथ पढ़ाई करेंगे, लर्न करेंगे। वी कैन सिट अंडर द बनियन ट्री एंड लर्न टुगेदर, टुगेदर मीन्स एक साथ। सून द बेल रैंग अगेन, सून जल्दी तुरंत, इतना बात हो गया इसके बीच में वापस बेल बच गया। किसका बेल बच गया? लंच का टाइम ओवर, लंच फिनिश हो गया, इसका बेल आ गया। जिया एंड हुसैन रन बैक टू देयर क्लासरूम, बेल सुना इतने में दोनों क्लासरूम में फंस गया। जिया टोल्ड रामा टू रीड, ऑन सम डेज हुसैन वुड हेल्प टू, ही टोल्ड रामा टू राइट, जिया रामा को रीडिंग करने के लिए सिखाया। और कुछ दिन के अंदर हुसैन वुड हेल्प टू, हुसैन भी कुछ दिन उसको हेल्प किया। ही टॉट हिम टू रामा टू राइट, हुसैन ने क्या किया? उसको लिखना सिखाया रामा, जिया ने, और पढ़ना भी सिखाया। रामा ब्रॉट राइप गावाज एंड शेयर्ड देम विद हेयर फ्रेंड्स, रामा जब आया तब लाते तब कुछ ना कुछ घर से लेके आते हैं, वो बकरी को चराते रहते हैं तब कुछ खाने के लिए भी बच्चे ऐसे करते। उसी दिन भी लाया था, क्या लाया था? गावा, गावा क्या चीज़ है? अमरूद, अमरूद लाया था, वो पका हुआ येलो येलो कलर का अमरूद लाया था। एंड शेयर्ड देम विद हेयर फ्रेंड्स, शेयर बांट दिया, अपना दोस्तों को बांट दिया। जिया एंड हुसैन एन्जॉयड द गावास बिफोर गोइंग होम, जिया और हुसैन गावा अच्छे से एंजॉय किया मीन्स पसंद करके खाया। सून रामा लर्न टू रीड, जल्दी रामा रीडिंग करने के लिए सीखा। द थ्री ऑफ दम वो टुगेदर रीड एडवेंचर स्टोरीज एंड फेरी टेल्स, वो तीनों मिलके स्टोरी बुक रीडिंग करने लग गया। कौन सा स्टोरी रीड किया? एडवेंचर स्टोरीज, उसमें जो जो एडवेंचर काम करते हैं, जो करने के लिए मुश्किल है ऐसा काम करने को एडवेंचर बोलते हैं, जो काम करने के लिए मुश्किल होता है वो मुश्किल के बीच में भी हम करते हैं, ये है एडवेंचर, ऐसा कहानी होता है एडवेंचर स्टोरीज। एंड फेरी टेल्स, फेरी टेल्स मीन्स जो परियों का कहानी होता है, वो रात में उड़ते हैं और किसी के पास जाते हैं, किसी का विश पूरा करते हैं, ऐसा ऐसा किसी जो परेशानी में है उसको मदद करते हैं, ऐसा ऐसा कहानी होता है, यह है फेरी टेल्स।
शी ऑल्सो लर्न टू सोल्व मैथ्स प्रॉब्लम्स. सिर्फ कहानी सीखना नहीं और नंबर नंबर्स भी सीख गया और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी सीख गया. दे सॉल्व नंबर गेम्स टू. ऐसा कई गेम होता है नंबर्स से बहुत इंटरेस्टेड है. हम एक एक नंबर हम बताएगा तो दूसरा अगला नंबर और कोई किसी नंबर मन में सोचेगा तो दूसरा बोलेंगे ये कौन सा नंबर है. ऐसा नंबर से बहुत सारा गेम होता है. ये सारे वो खेलने लग गया. लर्निंग टुगेदर इज फन इनडीड. लर्निंग टुगेदर एक साथ बैठ के पढ़ाई करना लर्न करना ये बहुत मज़ा होता है फन होता है. समझ में आया? ये सच में बहुत मज़ा होता है एक साथ पढ़ना. लर्निंग टुगेदर इज फन इनडीड. इनडीड मीन्स बिल्कुल करेक्ट इनडीड. ऐसा एक कहावत भी है एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में ये फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इनडीड. ये फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इनडीड. इसका मतलब हाँ हमको जो ज़रूरत होता है वो ज़रूरत में किसी हमको हेल्प करते हैं वो ये अपना अच्छा दोस्त. सच में वो ये हमारा दोस्त क्या है ये फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड. जब हमारा ज़रूरत में काम आ जाता है वो ये अपने अच्छा दोस्त सच में अपना दोस्त वही है. दोस्त तो बहुत होता है लेकिन सच्चा दोस्त बहुत कम मिलते हैं. हम हमारा दोस्त को चुनने के टाइम ऐसे सच्चा दोस्त को चुनने के लिए कोशिश करना. ये फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड. ये तो सीखना है कहावत. कहावत भी है ऐसे हम सीखना हमारे लिए अच्छा बात है बाद में काम आ जाएगा. Read the lesson 5 times and learn the words also. Spelling and meaning. The new words, जो शब्द आपको हिंदी नहीं मालूम है इसके लिए आप ऐसा ही करना घर पे एक डिक्शनरी रखना. अगर डिक्शनरी नहीं है तो एक खरीदना उसमें से शब्दों को अर्थ निकालने के लिए. डिक्शनरी में इंग्लिश में भी अर्थ होता है और हिंदी में भी अर्थ होता है. ये दोनों हम देख सकते हैं सीख सकते हैं. ऐसा डिक्शनरी के अंदर से भी डेली 10-10 वर्ड निकाल के खुद सीखने के लिए कोशिश करो. अपना वोकैबुलरी बढ़ जाएगा ये अपना आगे के लिए बहुत अच्छा होता है. और ये वर्ड्स 5-5 लर्न करो 15 है. TRING train, LUNCH lunch, RECE SS receives, lunch receives, DISK disk, FLEW flu, IN TURN ten, DECLAREED declared, SECURITY security. GRINNED grinned. STATED stated. APARTMEND apartment. TOGETHER together. TAUGHT taught. ADVENTURE adventure. FAIRYTALES fairy tales. INDWD indeed. PROBLEM problem. ये वर्ड्स को एक एक 10-10 बार रीडिंग करना. इसके बाद याद नहीं होगा तो फिर 10-10 बार लिख के याद करो बोल बोल के लिखो तब सीख जाएंगे. ये छोटा सा अच्छा लेसन है आपको अच्छा लगेगा रीडिंग करने में और इसका वर्ड्स लर्न करना
और ये लेसन भी रीड करना, और इसका पीडीएफ भी साथ साथ भेजेंगे। अच्छे से लर्न करने के लिए कोशिश करना, रोज़ अच्छा पढ़ाई कर लो, जब एग्ज़ाम में आपको आसान मिलेगा। ओके, थैंक यू।